दस तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए, पूछूंगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ, नौ हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो? भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना हो, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। बनना होगा यहां सब कुछ और वह भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं, तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहां पर, ना पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेज। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहां कुछ मंगल होने को है, कि भरत से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को हैं। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है? नहीं मतलब वो तुम में वो आते हैं रहने, सच है या फिर गलत खबर? अगर सच ही है तो क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ फिर कि क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकस में बाण, या फिर वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, क्या सच में तुमको राम पता है, या वह भी आकर हम ही बताएं? क्या सच में तुमको राम पता है, या वह भी आकर हम ही बताएं? बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से, प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं गर बुरा न मानो, एक बात कहूं गर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे ही घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं है, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं है, इसे जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं है। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं, भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में, तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं, तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हों, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हों, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मरुत रूप में आ जाएं, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं,
और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने में लगाकर सो जाओगे। और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, और शिवजी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है, क्या है पता, लहराना सबको होता है। भगवा क्या है वह जाने, जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, अरे राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा। पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा। पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु हैं आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वह द्वापर में कोई राह तके है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम।